नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। ग्वालियर के बनिहाल रोड पर रायपुरा पुलिया के पास गायों को बेचने की कोशिश में जीवी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी में 15 लोग सवार थे जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई। घायलों का इलाज कराने के बाद परिजन शवों का पीएम कराए बगैर उन्हें यूपी के बलरामपुर गुजरात के बापी ले गए। जानकारी के मुताबिक रामराज और अब्दुल कलीम का परिवार रिश्तेदारों के साथ अजमेर शरीफ में जियारत कर लौट रहे थे। गुजरात के बापी के रहने वाले रामराज लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनके बहनोई अब्दुल कलीम मूल रूप से यूपी के बलरामपुर में रहते हैं। बच्चों की छुट्टी लगने पर अब्दुल परिवार समेत बापी पहुंचे, जहां से वो रमजान और अन्य रिश्तेदारों के साथ टीयूवी गाड़ी से अजमेर शरीफ के लिए निकल गए। 7 सीटर गाड़ी में 15 लोग सवार थे, जिनमें 3 पुरुष, 5 महिलाएं और 7 बच्चे थे। सभी आगरा होते हुए मुरैना झांसी हाईवे के बाद विक्की फैक्ट्री से टर्न लेकर शिवपुरी लिंक रोड पर आ गए। यहां सीआरपीएफ बस कैंप के पास रायपुरा की पुलिसा के पास उनकी गाड़ी के सामने आधा दर्जन गाय आ गई। गाड़ी काफ़ी तेज रफ्तार में थी, जिससे चालक हड़बड़ा गया और उसने गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतारने की कोशिश में पलटती चली गई। चीख पुकार मचाने पर मौके पर मौजूद लोगों ने सभी को गाड़ी से बाहर निकाला। हादसे में सफीन, उनके 5 महीने के बेटे अजवान, जहरूनिसा, शबीना की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ताहिर सुल्तान, अब्दुल समेत अन्य लोग घायल हो गए। पनिहार थाना प्रभारी आलोक भदौरिया के काफ़ी समझाने पर भी हादसे का शिकार हुए लोगों ने पीएम और मामला दर्ज कराने से मना कर दिया। शाम को 7:30-8 बजे के लगभग रायपुर की पुलिया है थाना पनिहार क्षेत्र में, वहाँ सूचना मिली कि गाड़ी पलट गई है। तो तत्काल मौके पर जब पहुंचे तो जानकारी लगी कि 7-8 गाय जो हैं रोड क्रॉस कर रही थी, उसी को बचाने के लिए ये गाड़ी ड्राइवर से लेफ्ट में पलट गई। 2-3 पलटैया खाने के बाद उसको जब सीधी हुई तो निकाला गया, तो उसमें 3 महिलाएं और एक 5 माह का बच्चा एक्सपायर हो गया था, उनको JH भेजा गया। 2-3 बच्चे घायल थे, एक बड़ा व्यक्ति था वो भी घायल था, उनको सभी को JH लेके आए थे। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट न्यूज़ आज। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ आज के साथ।